खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में चैंपियन का बोलबाला रहता है, लेकिन कुछ वक्त से आपने देखा होगा कि चैंपियन के ना बोल सुनाई पड़े ना कोई ऐसा स्टंट दिखाई दिया जिससे चैंपियन सुर्खियों में रहे, क्योंकि निष्कासित से बीजेपी से उनका विवाद चल रहा था दशराज करणवाल के साथ, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो बीजेपी में वापस आ सकते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए ये खबर हम आपको दिखा रहे हैं। चैंपियन और करणवाल के बीच खत्म हुआ विवाद। 6 साल के वनवास के बाद चैंपियन की होगी घर वापसी। करणवाल के साथ चैंपियन का पैचअप। नए साल पर हम साथ साथ हैं। जी हां, जब उत्तराखंड की राजनीति में कुंवर प्रणव चैंपियन का नाम आता है तो हाथों में बंदूक लेकर डांस मजुमानी का भी जिक्र होता है। चैंपियन के इसी रवैये के चलते पार्टी से कुंवर प्रणव को 6 साल के लिए बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन अब खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन की वापसी बीजेपी में हो सकती है। वैसे जब चैंपियन पार्टी में थे तो विवादों से उनका चोली दामन का साथ था। एक बार तो चैंपियन और करणवाल के बीच पनपा विवाद इतना बड़ा और पार्टी के लिए भी न उगलते बना न निगलते, जिसके कारण चैंपियन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन पार्टी से बाहर जाने के बाद चैंपियन की जुबान पर मानो ताला लग गया हो। अब एक बार फिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच में आने से चैंपियन और करणवाल साथ साथ हैं। मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से वह पटाक्षेप हुआ, हमारे बीच कोई विवाद नहीं है। जो मतभेद या अभियोग एक दूसरे पर थे वो अभियोग वापस किए जा रहे हैं और नया साल हम बड़ी तन्मयता के साथ इनको मुबारकबाद देते हैं और आप सब। देखिए आदरणीय प्रणव जी की पहल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं और उनका आदेश है, संगठन का आदेश है, तो मैं उसका पालन कर रहा हूं और तहे दिल से खुशी खुशी ये मैं पालन कर रहा हूं और ये समझौता अंगद का पैर हो ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना। तो अब चैंपियन चुप हैं तो उनकी चुप्पी से पार्टी नेतृत्व संतुष्ट है, इसलिए एक बार फिर चैंपियन की बीजेपी में वापसी हो रही है। अब ये भी जान लीजिए विवाद था क्या। लोकसभा चुनाव के दौरान चैंपियन और करणवाल के बीच हुआ विवाद। चैंपियन ने करणवाल के जाति प्रमाण पत्र पर खड़े किए सवाल। चैंपियन के वार पर करणवाल ने भी किया पलटवार। चैंपियन करणवाल विवाद ने पकड़ा तू। चैंपियन करणवाल के बवाल से हुई थी पार्टी की किरकिरी। पार्टी ने अनुशासनहीनता के लिए कारण बताओ नोटिस थमाया। नोटिस के बाद भी चैंपियन नहीं मानी। देहरादून में करणवाल के खिलाफ एक प्रेस वार्ता कर डाली। मुख्यमंत्री रावत ने अपने आवास पर दोनों विधायकों को तलब किया। बहरहाल अब उत्तराखंड के सियासी हलकों में यह चर्चा गर्म है कि नए साल में चैंपियन और देशराज करणवाल साथ साथ हैं। इनके बीच रिश्तों में आई खटास अब मिठास में बदल रही है। दोनों नेताओं के बीच पैचअप कराने में मुख्यमंत्री खेमे का खासा जोर रहा। अब शायद बीजेपी यही उम्मीद कर रही होगी कि चैंपियन और करणवाल आमने सामने न आए। देहरादून से पंकज पवार, R9 TV।